वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर फ्रेंड योर दोस्त तुमसा मित्र है। सो आज हम ट्रिप कर रहे हैं नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा। प्लान ऐसा है, बड़ा प्लान है। तो एनीवेज हमने नॉर्थ गोवा पूरा कवर अप कर लिया है, पूरा मतलब विच इज़ नॉट नोन टू पीपल। बाकी तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉर्थ गोवा में पब्लिक को वही चीज़ पता है, जैसे बागा बीच हो गया, कलंगुट हो गया एंड मेनी मेनी थिंग्स। इस बार हम साउथ गोवा एक्सप्लोर करने वाले। सो अभी मैं निकल गया हूँ बाहर ऑलरेडी, आई एम एट बॉम्बे गोवा हाईवे NH17। अभी यहाँ से आई विल बी गोइंग टू साउथ गोवा, एक्सट्रीम साउथ। सो प्लान ऐसा है कि एज पर GPS इट शोज़ मी 2 hours 45 minutes, पौने 3 घंटे और 114 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कैसा कवर अप होता है। और रूट भी इट्स नॉट गिविंग मी दैट नॉर्मल अपना जो बॉम्बे गोवा रूट है, जैसे हो गया मापसा पंजिम मडगांव और फिर आगे। इट इज़ गिविंग मी अ रूट विच इज़ वाया, तो ये रूट शायद अलग सा रूट बता रहा है मुझे, जो कि है किरणा असनोड़ा साकली, ये रूट करके मुझे इट इज़ टेकिंग टू, बिकॉज माय डेस्टिनेशन जो मैंने सोचा हुआ है जहाँ जाना है मुझे, दैट इज़ नेत्रावली। तो नेत्रावली आप नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन एक्सट्रीम साउथ गोवा। तो देखते बीच रास्ते में कैसा रूट रहेगा, क्योंकि मैंने देखे कुछ ब्लॉग्स एंड आई हैव सीन कि ये रूट बहुत ही अच्छा है एंड इट्स नॉट दैट, इट्स सनी एक्चुअली। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं धूप में जल जाऊँ, तो मैं इसलिए ये रूट लेना चाहता हूँ। और इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टेकिंग अ डिफरेंट रूट दैन द नॉर्मल हाईवे वाला। सो चलो फिर देखते कैसा रूट है, क्या क्या रास्ते में मिलता है। ब्रेकफास्ट तो कर लिया मैंने ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, 146 अराइवल दिखा रहा है मुझे। चलो फिर लेट्स सी, सी यू ऑन द रोड्स। तो मैं अभी टूवर्ड्स बॉम्बे साइड रूट लेके, क्योंकि आई केम फ्रॉम वेंगुर्ला, तो मैं ये राइट ले लूँगा एंड आई विल बी टेकिंग दैट वारखंड रोड एंड टू असनोरा बिचोलिम साकलिम, ये रूट रहेगा मेरा। सो इट्स फन, थोड़ा सा रास्ता छोटा है बट लेट्स सी। मैं वो रास्ते से काफ़ी बार गया हूँ, द विच इज़ आर मेन हाईवे बॉम्बे गोवा, बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस रूट। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये रूट ले ले। आई हैव बीन टू दिस रूट लास्ट ईयर बट दैट वॉज अप टिल असनोरा। तो वो शायद मैं शाम के वक्त आया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू सी दी प्रॉपर रोड एंड एवरीथिंग। पर इस बार मैं काफ़ी दिन में, नाउ इट्स अराउंड 11, तो 11 बजे निकल रहा हूँ, तो देखते हैं। ये मस्त रूट है आई वुड से, कि अगर आपको वो धूप में से जाना नहीं है, इफ़ यू आर मूविंग आउट लेट, तो ये रास्ता बहुत ही सीनिक है। देखो प्रॉपर छाव मिल रही है आपको राइड करने के लिए और मज़ा आ रहा है। पूरा इंटीरियर वाला रास्ता है ये, थोड़ी थोड़ी धूप है, मना नहीं करूँगा मैं, धूप नहीं है बट अदरवाइज इट्स फन। तो एक तकरीबन 60 किलोमीटर्स चलाने के बाद आई हैव रीच्ड साखड़ी
So I've crossed Bicholim or Abisakhali. Abisakhali se there is basically a bifurcation. One goes to Walpai, again that is also a complete sanctuary area. तो यहाँ से एक bifurcation लेंगे, पहले थोड़ा सा मैं पेट्रोल भर लूँ. So I would say कि this is the same route which goes to Harwalem. तो अगर आपने मेरा केरी सत्तरी और हरवलम का ब्लॉग ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो. सो वो सेम रूट मैं अभी ले रहा हूँ टू गो टू साउथ गोवा. सो यहाँ से आगे स्ट्रेट जाओगे सो यू विल फाइंड अ राइट फॉर द हरवलम वाटरफॉल. एंड आई एम गोइंग वाया द फोंडा रूट टू साउथ गोवा. तो अब यहाँ से रास्ता बहुत ही अच्छा है ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि दिस इज द रूट विच टेक्स यू फ्रॉम, इफ़ यू कम बाय मुंबई वाया चोरला घाट, दिस इज़ द रूट. तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि रास्ता ऐसे ही रहेगा अच्छा, सो हम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, क्योंकि मेरा 2 घंटे 15 मिनट का डिस्टेंस 15 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गया है. माई अराइवल वॉज 146, अभी इट इज शोइंग मी 159. सो लेट्स सी, 108 किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ से. सो पॉसिबली नाउ इट इज 12:22, सो 1.5 घंटा. आपके रेगुलर रूट में चलाना और एक कम्प्लीटली नया रास्ते पे चलना एक अलग ही मज़ा है. अभी ये रास्ता मैंने कभी ही, मतलब जितनी बार मैं गोवा आया हूँ उतनी बार आई हैव गॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय दैट रेगुलर रोड, पंजी मड़गांव, बट ये वाला रास्ता दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विच आई एम एक्सप्लोरिंग एंड यू गाइज आर एक्सप्लोरिंग, आप लोग देख रहे हैं मेरे गोप्रो से. तो मैं उस गांव से भी सीधा निकल गया हूँ. सो उस गांव सर्कल आएगा, यू विल फाइंड अ राइट एंड अ स्ट्रेट रोड. तो राइट गोज़ टू फोंडा, सो वी डोंट नीड टू गो टू फोंडा रोड, हमें और सीधा जाना है टू कैरी ऑन टू द एक्सट्रीम साउथ. व्हाट अ रोड यार, सॉरी मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ, पर बहुत ही सीनिक रोड है ये. आई एम श्योर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया रहेगा. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर साउथ गोवा समथिंग वाइल्ड तो दिस इज़ द बेस्ट रूट. दिस इज नाउ अ कंप्लीट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो वी आर गोइंग अमिड्स ऑफ अ जंगल another jungle, and though this is not a regular road but still you will find ample of petrol pumps. शायद मुझे लगता है हर एक 5-10 किलोमीटर में आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा. You need to be careful. कैन फाइंड, चलो कुत्ते या फिर बिल्ली, या गोवा में यू विल फाइंड गाय भैंस, चलो उनको तो समझता नहीं है बट वी इंसान लोग भी ऐसे मेन हाईवे पे करेंगे, सो इट्स बिट रिस्की और पागलपंती.
ऐसे लगता है मुझे कि रात में थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पे बाइक से आना, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, पर दिन में इट इज़ फाइन इनफ। जी ऑन दी वे मैं थोड़ा रुक गया हूँ क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत 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 मस्त लगा। सी दिस, ब्यूटी। और इस बाजू इट इज मोर ब्यूटी। सी दिस, अभी देखो दिस रूट्स रिमाइंड मी ऑफ आर ए कॉलोनी। ये पूरा रास्ता आर ए कॉलोनी की तरह लग रहा है, विच इज़ इन मुंबई गोरेगांव। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आर ए कॉलोनी के छोटा काश्मीर के रास्ते पे मैं जा रहा हूँ मस्त। जो एक्चुअल में हमारे पास एक ही ऐसा रास्ता है मुंबई में वेयर वी कैन फाइंड फॉरेस्ट एक्चुअली। सो अभी सोचा मैंने कुछ ठंडा पी लूँ, तो ये रास्ते से मैं आया दिस रूट, और अभी यहाँ से मैं ये लेफ्ट ले लूँगा विच विल गो टू माई वे। कोलम वाला कोई रास्ता है, कोलम कले। सो देखते हैं, मज़ा आ रहा है, इंजॉइंग। इतना क्लियर पानी है ये, वाव। मतलब ये रूट से आना इज लाइक नेचुरल वंडर। नीचे जाना पॉसिबल नहीं है शायद, यहाँ से किसी तो भी रास्ता रहेगा बट दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा। बट द व्यू इज़ ऑसम, उस बाजू देखते हैं हम। ओके, इट्स कम्प्लीटली अपोजिट, कम्प्लीट स्टिल वाटर। सो फाइनली मैं नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास पहुंच गया हूँ।